नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आपका अभिषेक ट्रेड पे स्वागत करता हूँ। तो फटाफट सभी को शेयर कर दे, जितने भी बच्चे यहाँ पे जुड़ रहे हैं सभी को शेयर कर दे। आज हम लोग फाइनल एग्जाम केमिस्ट्री का देखेंगे सारा क्वेश्चन, ठीक है, सेट ए यहाँ पे देखेंगे। तो फटाफट सभी को शेयर कर दे, आपको 70/70 यहाँ पे टोटल क्वेश्चन यहाँ पे केमिस्ट्री का करेंगे। तो जो भी बच्चे यहाँ पे जुड़ रहे हैं सबसे पहले शेयर कर दे, चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर ले, ताकि किसी भी सब्जेक्ट की एक भी क्लास आपसे मिस ना हो, चाहे वो फिजिक्स की हो, केमिस्ट्री की हो, बायो की हो, मैथ की हो, हिंदी की हो, इंग्लिश की हो, सब कुछ आपका अभिषेक ट्रेल यूट्यूब चैनल पे आपको देखने को मिल रहा है बिल्कुल फ्री में लाइव क्लास, ठीक है। तो फटाफट सभी को शेयर कर दे, जितने बच्चे यहाँ पे जुड़े हुए हैं एक बार सभी को शेयर कर दे, सभी को गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लाते हैं, ठीक है। जितने बच्चे हैं सभी को शेयर कर दे, जितने भी भाई बंधु है ना, जितने भी आपके भाई भतीजा जो भी है सबको शेयर कर दीजिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लेके आ रहे हैं। तो कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं जो कि आपको पढ़ लेना है, क्योंकि आपको 70/70 है ना, जिसमें आपको 35 प्रश्नों के ही आंसर करने हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लगाते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। फटाफट सभी को शेयर कर दें। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, बोल रहा है निम्नलिखित में अकृष्टलीय ठोस कौन है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, निम्नलिखित में अकृष्टलीय ठोस कौन है, ये आपको बताना है। फटाफट आंसर करेंगे, निम्नलिखित में अकृष्टलीय ठोस कौन है। चलिए बहुत अच्छे, सभी का आंसर आता हुआ। ए बी सी या डी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर प्लास्टिक। बहुत अच्छे, प्लास्टिक के साथ जितने ही बच्चे गए हैं सभी का आंसर सही है। फर्स्ट का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए बहुत अच्छे, जो बच्चे बायो की क्लास नहीं देखे हैं, दोपहर 2 बजे बायो की क्लास आज करवाई गई थी, जो नहीं देखे हैं जरूर से देख लेंगे, टेलीग्राम में लिंक दिया हुआ है, ठीक है। जिनका छूट गया है, दोपहर 2 बजे बायो की क्लास आज हुई थी, ठीक है, टेलीग्राम में लिंक होगा, रात में देख लीजिएगा। पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या क्या होती है, द नंबर ऑफ एटम इन बॉडी सेंटर यूनिट सेल। फटाफट आंसर करेंगे, पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या क्या होती है। क्वेश्चन नंबर टू, 2, 4, 6 या 12, क्वेश्चन नंबर टू। चलिए बहुत अच्छे, ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे, पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या 2 होती है। चलिए ऑप्शन नंबर ए के साथ सभी गए हैं, सभी का आंसर सही है, 2 बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घनाकार क्रिस्टल में ब्रेबस जालकों की संख्या कितनी होती है, घनाकार क्रिस्टल में ब्रेबस जालकों की संख्या आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, द नंबर ऑफ ब्रेबस लैटिक्स इन क्यूबिक क्रिस्टल, 1, 3, 4 या, तो क्या होगा सही जवाब क्वेश्चन नंबर 3 का, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी के साथ जो भी गए आप सभी का आंसर सही आता हुआ। चलिए फटाफट आंसर करेंगे, चलिए ऑप्शन नंबर बी के साथ गए हैं। नेक्स्ट अगला सवाल, निम्नलिखित में किस दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी आती है, विच डिफेक्ट कॉज डिक्रीज इन डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, किस दोष के कारण क्रिस्टल घनत्व में कमी आती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करेंगे, फ्रैंकल दोष, शॉर्ट की, अंतरकाशी या एफकिन। तो याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, शॉर्ट की इज द राइट आंसर। जो भी बी के साथ गए हैं आप सभी का आंसर सही है, शॉर्ट की, शॉर्ट की, शॉर्ट की। चलिए बहुत अच्छे, सभी का आंसर बिल्कुल सही आता हुआ। नेक्स्ट, मोलरता को हम कैसे व्यक्त करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5,
मोलरिटी इज एक्सप्रेस्ड एज, मोलरता को व्यक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करेंगे, मोल पर लीटर में, ग्राम पर लीटर में, लीटर पर मोल में, या ऑप्शन नंबर डी 5 का आंसर करेंगे, मोलरता को कैसे व्यक्त करते हैं। सर जी वहां मारपीट हुआ है, क्या आवाज आ रहा है? बिल्कुल मारपीट नहीं हुआ है, नीचे है ना बगल में मकान बन रही है तो आज लगता है ढलाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, मोल पर लीटर, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा मोलरता को व्यक्त किया जाता है मोल पर लीटर में, ठीक है, मोल पर लीटर बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे, यदि विलायक के 1000 ग्राम में ग्लूकोज के 18 ग्राम उपस्थित है तो घोल को क्या कहा जाएगा? 1000 ग्राम में कितना है? 18 ग्राम है, तो हम घोल को क्या कहेंगे? क्वेश्चन नंबर 6, इफ 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट द सॉल्यूशन इज सेड टू बी। क्वेश्चन नंबर 6, यहां दिल्ली में रोज रात में ही ढलाई करवाते हैं क्योंकि दिन में पुलिस जो है बहुत पैसे की डिमांड करती है, रोड अगर जाम होता है ना, इसलिए पुलिस से बचने के लिए रात में करते हैं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही जवाब है 0.1 N, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ जो भी गए हैं बिल्कुल आपका सही जवाब। लेट हो गए कोई बात नहीं, अभी जस्ट क्लास शुरू हुई है, 5 मिनट हुआ है क्लास का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, किसी तनु घोल का अनुसंख गुणधर्म किस पे निर्भर करता है? द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिल्यूट सॉल्यूशन डिपेंड अपॉन, विलायक की प्रकृति पे, विलायक की प्रकृति पे, सी या डी। फटाफट आंसर करेंगे, फटाफट आंसर कीजिए, किस पे निर्भर करता है? चलिए फटाफट, चलिए 7 का आंसर याद रखिए, 7 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, विलायक की प्रकृति पे, द नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ऑप्शन नंबर बी के साथ गए हैं, बिल्कुल आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, सभी का आंसर सही आता हुआ। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, किसी बिलियन के प्रसारण दाब को किस संबंध से व्यक्त करते हैं? है ना, एक एक क्वेश्चन एकदम याद कर लेना है, कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं, अभी से लेकर एकदम एग्जाम में रगड़ देना है करके, है ना। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज एक्सप्रेस्ड बाय द रिलेशन, एक एक क्वेश्चन एग्जाम में एकदम बना देना है, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 8 का फटाफट आंसर करेंगे, चलिए 8 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, जो भी ऑप्शन बी के साथ गए हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर है। चलिए बहुत अच्छे, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, किसी धारा की वह मात्रा जो कॉपर सल्फेट, किसी विद्युत धारा की वह मात्रा जो कॉपर सल्फेट के घोल से 1 मोल कॉपर को मुक्त करती है, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 1 मोल ऑफ कॉपर From copper sulfate solution is, एक फेराडे, बी, सी या डी। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करेंगे, वह मात्रा जो कॉपर सल्फेट के घोल से 1 मोल कॉपर मुक्त करता है, सेंटअप एग्जाम का क्वेश्चन करा चुके हैं, ठीक है, और सेंटअप एग्जाम में सिर्फ पास होने चाहिए, कितना नंबर है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सही जवाब है 9 का, ऑप्शन नंबर सी, 2 फेराडे, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, जो भी सी के साथ गए हैं बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चलिए फटाफट नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, फेराडे के विद्युत विच्छेदन के प्रथम नियम को व्यक्त करने के लिए कौन सा समीकरण सही है? विच वन इज द करेक्ट इक्वेशन विच रिप्रेजेंट फेराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फेराडे के विद्युत विच्छेदन के प्रथम नियम को व्यक्त करने के लिए कौन सा सही समीकरण है?
दो पराठे। अच्छा दो पराठे याद आ रहा है आपको। चलिए सही जवाब 12 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी। फटाफट आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का। बहुत अच्छे याद रखेंगे एम इज इक्वल टू सेट सी टी। ठीक है ऑप्शन नंबर बी के साथ जो भी गए बिल्कुल आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। किसी भी बिलियन की सांद्रता को घटने के साथ निम्नलिखित में क्या परिवर्तन होता है। अगर बिलियन की सांद्रता घट जाए तो क्या चेंजिंग आता है यह आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस टेक्स प्लेस व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज डिक्रीज। 11 का फटाफट आंसर करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज टेक प्लेस व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज डिक्रीज। है ना सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को जब घटाया जाएगा तो क्या होगा। चालकता बढ़ेगी घटेगी कोई परिवर्तन नहीं होगा या अधिक घट जाएगी। तो याद रखेंगे सही जवाब होगा 11 का चालकता जो है वो क्या होती है बढ़ जाती है। ठीक है ऑप्शन नंबर ए चालकता बढ़ जाती है। नेक्स्ट देखेंगे कौन प्राथमिक सेल नहीं है। कौन प्राथमिक सेल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी सेल। निम्नलिखित में कौन सा प्राइमरी सेल नहीं है। निम्नलिखित में कौन प्राथमिक सेल नहीं है। 12 का फटाफट आंसर करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्राइमरी सेल। लिकलांचे गैल्बिनी मरकरी या लेड संचायक। कौन प्राथमिक सेल नहीं है। चलिए 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लीड संचायक जो है वो सेकेंडरी में काउंट हो जाता है प्राइमरी सेल में नहीं आता है। चलिए डी पे सभी गए हैं और सभी का आंसर बिल्कुल सही आता हुआ ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखेंगे। निम्नलिखित में कौन कारक जो है अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। बताएंगे अभिक्रिया के दर को कौन सा कारक जो है प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 13। ताप दाब सांद्रण या इनमें से कोई नहीं। एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए है ना और ना ही छूटेगा। जब पूरी क्लास कर रहे हैं पूरे ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं तो एक क्वेश्चन छूटेगा नहीं। 35 में 35 नंबर 100% गारंटी के साथ आप लोग का आएगा। चलिए ऑप्शन नंबर डी के साथ बच्चे जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है चलिए नेक्स्ट। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई। द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होगी। 14 का फटाफट आंसर करेंगे। मोल लीटर पर सेकेंड बी सी या डी। चलिए 40। सर सुबह 7 बजे ले लीजिए क्लास तबरेज वाली बोल रहे हैं। 7 बजे सब सोया ही रह जाएगा तबरेज। मान लेते हैं कि आप उठ जाएंगे लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो है सोए रह जाएंगे। चलिए 14 का राइट आंसर है मोल लीटर पर सेकेंड बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है मोल पर लीटर पर सेकेंड जो भी ए के साथ गए हैं बिल्कुल आपका सही जवाब है। जिया बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर क्वेश्चन है 32 मिनट में कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है वो 75% पूरा हो जाता है तो 50% पूरा होने में कितना समय लगेगा। इफ 75% ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन 32 मिनट्स देन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50% कंप्लीशन। देखो टाइमिंग बहुत अच्छा टाइमिंग सेट किए हुए हैं। टाइमिंग लाजवाब है ना। 2 बजे आपका मैथ बायो है सभी इस टाइम फ्री रहते हैं। 7 बजे आपका फिजिक्स केमिस्ट्री इस टाइम भी सभी बच्चे फ्री रहते हैं। मार्केट से 6 बजे चले आते हैं 7 बजे तक सभी मार्केट से चले आते हैं। रात के 8:45 में हिंदी इंग्लिश है इस टाइम भी बच्चे फ्री रहते हैं। तो टाइमिंग उस हिसाब से सेट किया गया है ताकि बच्चा को कोई दिक्कत ना हो क्योंकि घर का काम ही रहता है। चलिए 15 का सही जवाब आ चुका है ऑप्शन नंबर सी 16 मिनट। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट अगला सवाल। यदि किसी अभिक्रिया का वेग दिया गया है इतना है तो बोल रहा है इसका ऑर्डर क्या होगा। ऑर्डर पूछ रहा है तो ऑर्डर के लिए क्या करते हैं पावर को क्या करते हैं जोड़ देते हैं। पावर को क्या करते हैं जोड़ देते हैं।
तो सही जवाब क्या होगा, दो और एक क्या हो जाएगा, तीन हो जाएगा। सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जो भी बी के साथ गए हैं बिल्कुल आपका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट, भौतिक अधिशोषण के लिए अधिशोषण की ऊष्मा क्या होती है। द हीट ऑफ एडसॉर्प्शन फॉर फिजिकल एडसॉर्प्शन इज, द हीट ऑफ एडसॉर्प्शन फॉर फिजिकल एडसॉर्प्शन इज, भौतिक अधिशोषण के लिए अधिशोषण की ऊष्मा कितनी होनी चाहिए। 17, चलिए 17 का फटाफट, चलिए 17 का आंसर आ चुका है। याद रखेंगे 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल, 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल। ठीक है, यही आंसर आपको टिक करना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए, सभी बच्चा का आंसर सही है, जो भी ए के साथ गए हैं बिल्कुल आपका सही आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, जो पदार्थ जल का पृष्ठ तनाव कम कर देता है, वैसा पदार्थ जो जल के पृष्ठ तनाव को कम कर देता है क्या कहते हैं। द सब्सटेंस विच रिड्यूस द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड, है ना, क्या कर रहा है कि वैसा पदार्थ जो जल का सरफेस टेंशन को कम कर देता है उसे हम क्या कहते हैं। वैद्युत अपघट्य, वैद्युत अनघट्य, सी या डी, इलेक्ट्रोलाइट या नॉन इलेक्ट्रोलाइट। 18 का आंसर क्या होगा, क्या कहते हैं वैसा पदार्थ जो पृष्ठ तनाव कम कर देता है। चलिए, बहुत अच्छे, याद रखेंगे बिल्कुल डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल अच्छे अनिल, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सर्फेक्टेंट, पृष्ठ सक्रिय कारक, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, डी के साथ जो भी गए आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19, कौन जल में कोलाइडी विलयन का निर्माण करते हैं, जल में कोलाइडी विलयन का निर्माण कौन करते हैं, सोडियम क्लोराइड, ग्लूकेज, स्टार्च या बेरियम नाइट्रेट। इंग्लिश में देख लो, जल में कोलाइडी विलयन का निर्माण कौन करते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म कोलाइडल सॉल्यूशन इन वाटर, सोडियम क्लोराइड, ग्लूकोज, स्टार्च और बेरियम नाइट्रेट। चलिए 19, बहुत अच्छे, स्टार्च स्टार्च स्टार्च, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, स्टार्च के साथ जाएंगे, और जो भी सी के साथ गए हैं आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है ना, स्टार्च। चलिए, बहुत अच्छे, सभी का आंसर सही है। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन पाइसी कारक है, पाइसी कारक का मतलब क्या, इमल्सीफायर बोलते हैं। निम्नलिखित में कौन जो है एन इमल्सीफायर है, सोप, ऑयल, सोडियम क्लोराइड और वाटर, साबुन, तेल, सोडियम क्लोराइड और जल। 20, ये सभी का आंसर सही होना चाहिए, जिसका ये आंसर सही नहीं होगा समझ जाएंगे कि वो पढ़ता ही नहीं है ना। चलिए, याद रखेंगे साबुन, साबुन जो क्या है इमल्सीफायर, ऑप्शन नंबर ए, बहुत अच्छे, सभी का आंसर बिल्कुल सही आ चुका है ना, श्रवणी श्रुति, बिल्कुल सही आंसर है आपका। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छे, सभी का आंसर एकदम झकास आता हुआ। नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल, 21, कालामाइन किस धातु का अयस्क है, कैलामाइन, है ना, कालामाइन ही, कैलामाइन इज एन ओर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल, कैलामाइन निम्नलिखित में किस धातु का ओर होता है यानी अयस्क होता है, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर और जिंक। 21 का आंसर करेंगे, कैलामाइन इज वन एन ओर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल, क्वेश्चन नंबर 21। चलिए, किसका होता है, फटाफट आंसर करेंगे, कैलामाइन किस धातु का अयस्क है, याद रखिए कैलामाइन की बात की जाए तो ये जिंक का अयस्क होता है ना, कैलामाइन, है ना, कैलामाइन इज एन ओर ऑफ जिंक मेटल, सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जिंक, चलिए, बहुत अच्छे, जिंक के साथ जो भी गए हैं बिल्कुल सही जवाब। मौन प्रक्रम के द्वारा, अगला सवाल देखो क्या पूछा है ना, मौन प्रक्रम के द्वारा किस धातु का प्यूरिफिकेशन शुद्धिकरण करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज प्यूरिफाइड बाय मौन प्रोसेस, निकेल, जर्केनियम, कॉपर और जिंक। 22 का आंसर करेंगे, 22 का सही जवाब क्या होगा, मौन प्रोसेस के द्वारा कौन सी मेटल का हम लोग प्यूरिफिकेशन करते हैं।
चलिए याद रखेंगे वो मेटल कौन सी है, तो वो निकेल है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, है ना, मॉन प्रोसेस से हम निकेल का प्यूरिफिकेशन करते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, ज्ञान के भंडार काफी देर से आए हैं, 20 मिनट लेट हो गए आप। थर्माइट विधि में अब कारक कौन है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिड्यूसिंग एजेंट इन थर्माइट प्रोसेस। थर्माइट विधि में आपको बताना है रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, कार्बन, जिंक, सोडियम या एल्यूमिनियम। क्वेश्चन नंबर 23, थर्माइट विधि में आपका रिड्यूसिंग एजेंट यानी कि अब कारक क्या है, 23 का सही जवाब क्या होगा? आकाश कुमार बोल रहे हैं ये कौन सा एग्जाम का है, फाइनल एग्जाम का है, आपके बिहार बोर्ड का जो फाइनल एग्जाम होता है उसका है। चलिए याद रखेंगे एल्यूमिनियम बिल्कुल सही जवाब है, 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी एल्यूमिनियम। चलिए बहुत अच्छे, सभी का आंसर एकदम सही आता हुआ। नेक्स्ट, चलिए फटाफट एकदम आंसर करते चलेंगे, सभी का आंसर बिल्कुल सही आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगला सवाल है 24, लोहा धातु के निष्कर्षण के द्रव्यमान ने क्या बोला है, लोहा धातु के निष्कर्षण के दरमियान कौन धातु मल प्राप्त होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्टेन एज स्लैग ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। आयरन के एक्सट्रैक्शन के दौरान कौन सा स्लैग प्राप्त होता है, कौन सा धातु मल प्राप्त होता है? 24 का आंसर करेंगे, 24 ए बी सी या डी, 24 कौन सा धातु प्राप्त होगा लोहा धातु के निष्कर्षण के दौरान? चलिए सभी का आंसर बिल्कुल सही आता हुआ, बी के साथ जा रहे, कुछ बच्चे सी के साथ जा रहे हैं, लेकिन सही जवाब आपको बता दें Fe SiO3, ऑप्शन नंबर बी के साथ जो भी गए हैं आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट, सबसे कम क्वथनांक वाली गैस कौन है? सबसे कम क्वथनांक वाली, द गैस हैविंग लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, उस गैस का नाम बताना है जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन या आर्गन। 25 का आंसर करेंगे, 25 उस गैस का नाम बताइए जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है। तो आंसर बहुत इजी है, आप लोग आराम से आंसर कर लेंगे, है ना, हीलियम गैस सबसे हल्की होती है और ये सबसे कम क्वथनांक वाली गैस भी होती है। ठीक है, सही जवाब क्या होगा, हीलियम। ऑप्शन नंबर बी के साथ सभी गए और सभी का आंसर सही है, हीलियम। ठीक है, नेक्स्ट 26, कौन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कौन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है, NH3, BC या D। चलिए एक बच्चा बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछ रहा है, उसका सवाल ले लेते हैं, चलिए आप फटाफट आंसर करेंगे। आजाद हिंद फौज बोल रहे हैं, कहां से हो भाई, कहां से बोल रहे हो, सामने आओ, अंतरात्मा से देखिए, मैं सबको दिखाई नहीं देता, अपनी अंतरात्मा से देखिए, दिखाई दूंगा। चलिए 26 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, मैं कानों में आता हूं, है ना, दिल में आता हूं, लेकिन नजरों के सामने नहीं आता हूं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, स्टूडेंट के दिमाग में आना चाहिए, नजर के सामने आने से क्या मतलब है। चलिए ऑक्सीजन और ओजोन क्या है, ऑक्सीजन और ओजोन क्या है, ऑक्सीजन एंड ओजोन समभाजिक, समावयवी, अपरूप या समस्थानिक। 27, ये तो हॉरर मूवी में ऐसा होता है, कहां से बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं, सामने आओ। ऑक्सीजन और ओजोन क्या है, ऑक्सीजन एंड ओजोन आइसोवैरिक, आइसोमर, एलोट्रॉप्स या ऑप्शन नंबर डी। 27, चलिए 27 का आंसर करेंगे, बहुत अच्छे सभी का आंसर सही है, एलोट्रॉप्स होता है ना, ऑक्सीजन और ओजोन क्या है, एलोट्रॉप्स होता है, ऑप्शन नंबर सी।
सर टॉपर का नेम, एक्सट्रीमली सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, पता नहीं मैं इतना भुलक्कड़ क्यों हो गया हूँ, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर डेट। कल एकदम पक्का प्रॉमिस कर एकदम पक्का टॉपर का नाम मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, पक्की वाली प्रॉमिस। नेक्स्ट 28, एकदम ध्यान से ही निकल जाता है। 28, विच ऑफ दी फॉलोइंग इज ए डाइवेसिक एसिड, एक्सट्रीमली सॉरी एकदम कान पकड़ कर उठे बैठे, कौन द्विभाषिक अणु है, ए बी सी आर डी। 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डाइवेसिक एसिड, 28 का फटाफट आंसर करेंगे, डाइवेसिक एसिड कौन है। 28, चलिए 28 का आंसर करो, डाइवेसिक एसिड के बारे में पूछा जा रहा है। क्लास की टाइमिंग अजीत कुमार नीचे शो हो रही है, ठीक है, क्लास की टाइमिंग नीचे शो हो रही है ना, नीचे देख लो। चलिए सभी का आंसर सही है, कुछ बच्चे ए के साथ जा रहे हैं, कुछ बच्चे बी के साथ जा रहे हैं, तो आपको बता दो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर ए। चलिए द्विभाषिक अंग, चलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन की ओर देखेंगे हम। संक्रमण तत्वों का स्थान आवर्त सरणी के अंतर्गत क्या होता है, द पोजिशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल इज वेरी, एस ब्लॉक पी ब्लॉक डी ब्लॉक। सर आज दिखे ना अपना पिक, हम आपको आपका भी ब्लॉग चैनल में देखा हूं नेक्स्ट ईयर, उसके बाद नहीं देखा, ठीक है। कैमरा शुरू में ही ऑन करना रहता है, तो शुरू में नहीं ऑन किया तो बीच में तो मैं ऑन कर नहीं सकता हूँ, ठीक है, कल सेटिंग करके रखेंगे। संक्रमण तत्वों का स्थान आवर्त सारणी के अंतर्गत 29, ज्ञान के भंडार, थैंक यू सो मच। तो संक्रमण तत्व क्या होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट, काफी बार बताए हुए हैं, डी ब्लॉक में होता है, सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी के साथ बच्चे गए हैं, बिल्कुल आपका सही आंसर है डी ब्लॉक, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30, संक्रमण तत्व का युग्म क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेयर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, अब बताना है कौन जो है इसमें पेयर जो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, ए बी सी या डी, कौन संक्रमण तत्व का युग्म है। क्वेश्चन नंबर 30, सर पिस्ता बादाम खाया करिए, सर पिस्ता बादाम खाया करें, खा लेंगे लेकिन कारण बताइए, उससे क्या कुछ होगा। चलिए कौन संक्रमण तत्व का युग्म है, क्वेश्चन नंबर 30 सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी के साथ बच्चे गए हैं, और कुछ बच्चे बी के साथ गए हैं, लेकिन याद रखिए डी बिल्कुल, चैट में उस लिंक पे क्लिक करके आप लाइव क्लास में आ सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है, अगर मुझे लाइक करते हो तो लाइक करना, क्लास को लाइक किए हो तो लाइक करना, ठीक है, नहीं लाइक किए हो तो डिसलाइक ही मार सकते हो, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस।